हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक लेडीज़ जूड़े वाली कैप। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाई है ये कैप। और जो लेडीज़ के काफ़ी बाल जो होते हैं लंबे होते हैं और वो जूड़ा बनाती है, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर हम बिना जूड़े के कैप डालते हैं सर पर, तो वो ऊपर को उठती रहती है। अगर हम जूड़ा बनाएंगे, इसके साथ एडजस्ट करेंगे, तो इसमें वो वाली फेस करने को प्रॉब्लम नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। तो जूड़ा अच्छे से एडजस्ट हो जाता है इसमें। जूड़े का साइज अलग अलग हो सकता है, किसी के बाल छोटे हो सकते हैं, उनके लिए फंदे कम हमने उठाने हैं। अगर किसी के हैवी बाल हैं, तो उसके लिए हमने फंदे ज़्यादा उठाने हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 6.5 इंच बना ली, उसके बाद मैंने यहाँ पर डिक्रीजिंग स्टार्ट की। यहाँ से ये वाली जो चैन बन रही है, तो यहाँ डिक्रीजिंग हुई है, यहाँ से बंद कर दिए। और अगर मैं बात करूँ स्टिचेस की, तो मैंने 100 स्टिचेस में इसको बनाया है। और जो अडल्ट वुमेंस होती हैं, उनके सर पर बिल्कुल सेट आती है 100 स्टिचेस की। फिर भी अगर किसी के सर की गोलाई ज़्यादा बड़ी है, तो वो उसके एडजस्ट कर सकती हैं। किसी को कम फंदे चाहिए या ज़्यादा चाहिए, तो वो अपने अकॉर्डिंग फंदे एडजस्ट कर सकते हो। पैटर्न कोई भी हो सकता है, पैटर्न हर किसी की अलग अलग चॉइस हो सकती है। वैसे ये वाला पैटर्न मैंने पहले अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर। और जो जूड़ा है, वो कैसे निकालना है हमने, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं, और ये स्टिचेस मैंने 98 किए हैं, 100 नहीं किए, 98 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। और इसको हमने उल्टा उल्टा बनाना है। ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने 8 रो कंप्लीट कर देनी है। उल्टी साइड से भी उल्टा बनाना है, और सीधी साइड से भी सीधा उल्टा बनाना है। तो ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी। राइट साइड कंप्लीट करने के बाद आ गई हूँ मैं रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड भी हमने उल्टा ही बनाना है। दोनों तरफ से हमने उल्टे फंदों की बुनाई करनी है। तो ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए ये रो भी मैं कंप्लीट कर लूँगी, तो मेरी 2 रो हो जाएंगी। इसके बाद अभी मैंने 6 रो और बनानी है। टोटल हमने 8 रो बनानी है, 4 सीधी तरफ से, 4 उल्टी तरफ से। तो वापस आती हूँ मैं 8 रो बनाने के बाद। हमारा इतना बॉर्डर बन चुका है, तो अब हमने इसमें फंदे थोड़े कम करने हैं। जैसे कि ये देखिए, इस कैप में आप देख सकते हो कि जूड़ा बना हुआ है। जूड़ा बना हुआ ये वाला इस शेप में नजर आ रहा है, और इसी शेप में हमने फंदे कम करने हैं। पहले यहाँ से इस तरफ हमने कम करने हैं, दोनों साइड करेंगे, इस तरफ भी करेंगे और लास्ट में भी करेंगे। और बाद में यहाँ से हम जूड़ा जो बनाना है उसके फंदे उठाएंगे। इसके साथ ही हम पैटर्न भी जारी रखेंगे और फंदे भी कम करते रहेंगे। पैटर्न कोई भी हो सकता है, मैं ये वाला पैटर्न नहीं अप्लाई कर रही, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पहले बनाया हुआ है और इसको अपलोड भी किया हुआ है अपने चैनल पर। तो मैं नया पैटर्न अप्लाई करूँगी, तो मैं आपको भी दिखा देती हूँ कौन सा पैटर्न अप्लाई करने वाली हूँ मैं। तो अब क्या करेंगे हम, पहला फंदा ऐसे उतार लेंगे। अब हमने सीधा सीधा बनाना है, 3 फंदे बनाने हैं सीधे। पहले 2 फंदों का एक कर देंगे,
दो फंदों का एक किया, एक ये फंदा। वैसे तो हमारे तीन फंदे हो गए यहाँ पर, एक फंदा मैंने कम कर दिया, तीन फंदों का पैटर्न है, एक फंदा मैंने कम कर दिया, दो फंदे मेरे रह गए, क्योंकि जो फंदे हमें यहाँ पर कम करने हैं आगे चल के हमने वो फंदे बढ़ाने भी हैं, तो क्या करेंगे, फंदों को पैटर्न के हिसाब से ही कम करेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेंगे, तीन फंदों को ऐसे एक साथ उल्टा बनाएंगे, उल्टा बनाया, धागा पीछे किया, फिर से बनाएंगे, एक फंदा फिर से बना लिया, धागा आगे करके एक बार फिर उल्टा बुन लेंगे इसको, तीन फंदों में से हमने तीन फंदे बना लेने, ऐसे धागा पीछे करके तीन फंदे सीधे, दो तीन, धागा आगे करेंगे, फिर से वही पैटर्न अप्लाई करेंगे हम, तीन फंदे एक साथ लेने हैं हमने और तीनों को उल्टा बुन लेना है, पहले उल्टा बुना, धागा पीछे किया, इनके बीच में से नीडल इंसर्ट करेंगे और सीधा बना लेंगे, दो फंदे हो गए हमारे, धागा आगे करेंगे, एक फंदा फिर से बना लेंगे, ऐसे तीन फंदों में से फिर से तीन फंदे हमारे हो गए, छह फंदों का पैटर्न है ये, एक दो तीन, एक बार फिर से देख लीजिए, तीन फंदों को एक साथ लेना है, उल्टा बनाया पहले, पहले उल्टा, धागा पीछे करके फिर सीधा, फिर धागा आगे किया, फिर से उल्टा, तो ऐसे पूरी रो में हमने ये पैटर्न अप्लाई करना है, तीन फंदे सीधे। तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ, आपको दिखा दिया कि मैंने ये कैसे पैटर्न बनता है, तो मिलते हैं एक बार फिर वापस आती हूँ मैं उल्टी रो में। राइट साइड कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड में भी हमने एक फंदा कम करना है, दो फंदों का एक फंदा करेंगे, यहाँ पर पैटर्न है मेरा, इसमें से दो फंदे लेंगे और दो का एक कर देंगे, फिर से ये रो उल्टी आएगी आगे, ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे देखिए मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, रॉन्ग साइड मैंने कंप्लीट कर ली है, अब हम आ गए हैं राइट साइड, राइट साइड में फिर से एक फंदा कम करेंगे, इसके बाद हमने पूरी रो सीधी बनानी है, इसमें कोई पैटर्न अप्लाई नहीं करना, ऐसे सीधे फंदों की रो बनानी है हमने, लेकिन फंदा जरूर कम करना है दोनों साइड एक एक, ऐसे ही हमने सात फंदे कम करने हैं, सात शुरू में राइट साइड के और साथ ही जो उल्टी साइड में हम रो शुरू करेंगे वहां पर, तो ऐसे मैं सीधा सीधा बुनते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, तो वापस आती हूँ रॉन्ग साइड, राइट साइड कंप्लीट हो चुकी है, फिर से आ गए हैं रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड में बनाना तो उल्टा ही है, लेकिन ये है कि इसमें फिर से एक फंदा कम करेंगे, दो फंदों का एक फंदा कर देंगे, आगे पूरी रो उल्टी ही आएगी,
तो ऐसे उल्टा उल्टा बुनते हुए ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। और राइट साइड में हमारा पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वो मैं बताती हूँ आपको कि हमने आगे कैसे करना है। ये कैप मैं 10 नंबर की नीडल पर बना रही हूँ और वूल है वो मोटी है, इतनी बारीक वूल नहीं है। तो देखिए मैं उल्टा उल्टा बुनते हुए रो कंप्लीट कर लेती हूँ और वापस आती हूँ राइट साइड में। पहले तो हमने दो फंदों का एक फंदा करना है, उसके बाद हमने पैटर्न चेंज कर देना है। जैसे स्टार्टिंग में मेरा यहाँ पर 3 फंदे सीधे थे, लेकिन वो कम हो चुके हैं और उसके आगे हमारा पैटर्न था, उसके बाद 3 फंदे फिर से सीधे थे। जो सीधे फंदे हैं उन पर हम 3 फंदों का एक करेंगे और उसको 3 बार बुन लेंगे, और जो 3 का हमने 3 बार बुना था उनको सीधा बुन लेना है हमने। इस बात का ध्यान रखना है, जैसे कि नीचे से पता चल रहा है ये 3 फंदे हैं, 1 2 3, ये सीधे जा रहे हैं, इन 3 फंदों का अब हम 3 फंदों को 3 बार बुनेंगे और जो पैटर्न के ऊपर 3 आ रहे हैं इनको सीधा बुन लेंगे और साथ में एक फंदा भी कम कर देंगे। दो फंदे सीधे आएंगे मेरे, क्योंकि एक फंदा मेरा कम हो चुका है। अब धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों को 3 बार बुनना है। पैटर्न बहुत आसान है, धागा पीछे करेंगे फिर से बुनेंगे। धागा अपनी तरफ किया, एक बार फिर से बुनेंगे। 3 फंदों को 3 बार बुनना है, फंदा कोई कम नहीं होना चाहिए। धागा पीछे करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से धागा अपनी तरफ कर लेंगे और 3 फंदों को 3 बार बुन लेंगे। 1 2 3 फंदे ले लेंगे, एक बार बुना, धागा पीछे, फिर से बुना, धागा आगे कर लेंगे और तीसरी बार बुन लेंगे। 3 में से 3 फंदे हो गए। ये रो ऐसे कंप्लीट करनी है। पैटर्न बनाने का तरीका सेम है, वो तरीका चेंज नहीं हुआ, सिर्फ फंदे आगे पीछे हुए हैं। जो 3-3 का पैटर्न हमने चलाया है तो वो वाला चेंज हुआ है, वैसे इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ऐसे ही मैंने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। रॉन्ग साइड से हर बार उल्टा ही आएगा, और ऐसे हमने 3 फंदे मेरे कम हो गए इस तरफ। अब जब वापस आऊँगी उल्टी रो में तो 3 ही उस तरफ हो जाएंगे, 4 फंदे अभी बाकी हैं। पैटर्न को भी जारी रखना है हमने और फंदे भी कम करते जाने, ऐसे ही हमने 7 फंदे कम कर लेने हैं। तो 7 फंदे कम करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। बहुत आसान पैटर्न है, तो ऐसे ही मैं ये रो भी कंप्लीट कर लूंगी। देखिए हमारा पैटर्न चेंज हो चुका है और नजर आ रहा है कि कौन सा फंदा हमने कहां पर चेंज किया है और कैसे चल रहा है। तो वापस आती हूँ मैं 7 फंदे कम करने के बाद।
तो देखिए मैंने 7 फंदे यहाँ पर कम कर लिए हैं। अगर आपकी वूल काफ़ी मोटी है तो आप 6 फंदे कम कीजिए, अगर आपकी वूल बारीक है तो 8 फंदे कम कीजिए। तो कम से कम हमारा यहाँ से लेके 2.5 इंच के करीब बनना चाहिए, 2.5 इंच है मेरा। तो क्या करेंगे, डिक्रीजिंग हमने यहाँ 8 रो के बाद स्टार्ट करनी है। तो मेन पर्पस मेरा ये जुड़े वाले कैप बताना है, पैटर्न कोई भी हो सकता है। और आगे हमने इसको यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेके 4.5 इंच तक बनाना है। इसकी लेंथ जो है हमने 4.5 इंच बनानी है, 2 इंच अभी मैं और बनाऊंगी। लेकिन ये हम यहाँ पर कोई डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हम सिर्फ सीधा सीधा बनाएंगे और पैटर्न अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमारा पैटर्न फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने सीधी रो डाल ली है, देखिए यहाँ पर मैं कोई फंदा नहीं कम करूँगी। अब धागा आगे कर लेंगे, 3 फंदों का एक करेंगे, धागा पीछे, फिर से फंदा बनाया, फिर से धागा आगे करेंगे और एक फंदा और बना लेंगे, 3 में से 3 फंदे बना लेंगे, 3 फंदे सीधे। फिर से पैटर्न आ जाएगा हमारा, 3 फंदों का एक फंदा बनाया, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा, धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। जो फंदे हमारे यहाँ पर कम हो चुके हैं वो फंदे हमने आगे जाके बढ़ाने भी हैं। जब हम 4, 4.5 इंच बना लेंगे तो उसके बाद हम फंदे बढ़ाएंगे, 7 फंदे दोनों तरफ हम बढ़ा लेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो वापस आती हूँ मैं 4.5 इंच कंप्लीट करने के बाद। ऐसे देखिए हमारा बनता जाएगा। दूसरी तरफ से मैं दिखा देती हूँ, सेम शेप है हमारी, स्क्यू शेप जा रही है, दोनों तरफ से सेम है। तो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने जो पैटर्न है वो 4.5 इंच बना के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए पूरे 4.5 इंच है। अब हमने आगे क्या करना है, हमने यहाँ पर जो फंदे कम किए हैं, यहाँ पर 7 फंदे कम किए थे, वो हमने यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो वो कैसे बढ़ाएंगे, ऐसे पहले फंदे को बुनेंगे और उसी फंदे को दूसरी नीडल पर ले लेना है, फिर उसी फंदे को हमने वापस बुन लेना है, फिर से उसी फंदे को पलट के दूसरी नीडल पर ले लेना है। ऐसे करके हमने 7 फंदे बढ़ा लेने हैं। बहुत आसान तरीके से बढ़ जाते हैं, तो ये आसान तरीका है फंदे बढ़ाने का। फंदे पूरे हो चुके हैं, अब हमने करना क्या है, इन फंदों को बुन लेना है वापस। ये हमारी यहाँ पर सीधी रो आ रही है तो सीधा ही बुनेंगे। पैटर्न के बाद जो सीधी रो आती थी वही रो आ रही है।
तो ऐसे हमने इस रो को पूरा सीधे सीधे बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। और उल्टी साइड भी हम ऐसे ही 7 फंदे बढ़ाएंगे जैसे हमने सीधी साइड बढ़ाए हैं, उल्टी साइड में बढ़ा के फंदे पूरे कर लेंगे। तो वापस आती हूँ मैं ये रो कंप्लीट करने के बाद उल्टी साइड। राइट साइड कंप्लीट करने के बाद अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड हमने फिर से फंदे बढ़ाने हैं। अगर आपको ये तरीका मेरा जो बताया हुआ है ये मुश्किल लग रहा है तो ये तरीका आप अपना सकते हो। ऐसे करके भी आप फंदे बढ़ा सकते हो, ऐसे भी फंदे बढ़ जाते हैं, लेकिन मुझे वो वाला तरीका जो है पसंद है तो मैं उसी तरीके से बढ़ाती हूँ। पहले ऐसे करेंगे, इसी फंदे को वापस लेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। 7 फंदे बढ़ाने के बाद हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है और उल्टा बुनना है, क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है तो उल्टा ही बुनेंगे। तो ऐसे हमने उल्टी साइड से उल्टी रो कंप्लीट कर लेनी है, फिर सीधी साइड से हमारा पैटर्न आएगा। तो मैं ये रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ऐसे देखिए हमने उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। अब हम यहाँ से पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से सेम वही पैटर्न शुरू हो रहा है जो स्टार्टिंग में यहाँ पर हुआ था, लेकिन मैंने डिक्रीजिंग स्टार्ट करती थी तो पैटर्न पूरा बन नहीं पाया था। तो पहले ये फंदा लेना है हमने एडजस्टिच है, 3 फंदे सीधे। तीन फंदे सीधे बनाने के बाद हमने धागा आगे कर लेना है और 3 फंदों का ऐसे पहले एक बनाना है, धागा पीछे किया, एक सीधा फंदा, धागा आगे करके फिर से एक उल्टा फंदा। 3 फंदों में से हमने 3 फंदे बना लेने। मेरा इंटेंशन ये था कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि मैंने स्टार्टिंग कैसे की थी। 3 फंदे हमने सिंपल रखे थे स्टार्टिंग में, आगे हमने पैटर्न बनाया था। ऐसे हमने 6.5 इंच तक बनाते जाना है। फंदे हमने बढ़ा लिए हैं, अब कोई फंदा नहीं बढ़ाना। 6.5 इंच के बाद हम इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे मैं पूरा कर लूँगी 6.5 इंच तक, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि डिक्रीजिंग कैसे करनी है। तो वापिस आती हूँ मैं 6.5 इंच बनाने के बाद। तो देखिए यहाँ से 6.5 इंच कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट कर देनी है। देखिए पूरे 6.5 इंच हो चुका है, तो अब हम इसकी डिक्रीजिंग स्टार्ट करते हैं।
डिक्रीजिंग हमने उल्टे फंदों की करनी है, पैटर्न बनाना बंद कर देना है और उल्टे फंदे बनाने शुरू कर देने। इसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। साइड में हमने 10-10 फंदे छोड़ देने हैं और बीच में हमने 20-20 फंदे रखने हैं, क्योंकि साइड में एक तरफ से ही कम होंगे, बीच में हैं जो दोनों साइड से कम होंगे। तो 4 फंदे हो गए, 5, 6, 7, 8, 9 फंदे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे। 2 फंदों को उतार लेना है, जो आगे है फंदा उसको सेंटर में ले आना है और जो सेंटर में है उसको आगे ले जाना है। 3 फंदों का एक कर देना है ऐसे। फिर से धागा अपनी तरफ ले आना है, फिर हमने 17 फंदे बनाने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 17 फंदे इसलिए बनाए हैं मैंने, 20 कहा था, क्योंकि एक फंदा हमारा बीच में चला गया और एक फंदा साइड में एक कम हो गया इधर, एक फंदा हमारा यहाँ पर कम हो जाएगा, 19 हो गए, एक सेंटर में ले लेंगे तो 20 फंदे हमारे ऐसे पूरे हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमने करना है हर बार। 2 फंदे लेंगे, आगे वाले फंदे को हमने सेंटर में लेके आना है, सेंटर वाले को आगे लेके जाना है और 3 फंदों का एक कर देना है। धागा अपनी तरफ करके फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 फंदे बनाने के बाद धागा पीछे कर लेंगे और 2 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। आगे वाला सेंटर में ले आना है, सेंटर वाला हमने आगे ले जाना है और ऐसे ही हमने पूरी रो में करना है। पीछे जो हमारा लास्ट का पार्ट है उसमें हमारे 9 फंदे, जैसे मैंने फ्रंट में छोड़े हैं ऐसे ही हमने 9 फंदे छोड़ने हैं और बीच में हमारे जो 17-17 फंदे हैं ऐसे छोड़ने हैं और हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। पहले मैंने पेंडिंग रो कंप्लीट की, उसके बाद उल्टी रो कंप्लीट की, अब फिर से वापस आ गई हूँ राइट साइड। राइट साइड हमने पहले 9 फंदे छोड़े थे, इस बार हमने 8 फंदे छोड़ने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 फंदे हमने बुन लिए। देखिए चैन बनना शुरू हो गई है और पता चल जाता है कि यहाँ से हमने डिक्रीजिंग करनी है। धागा पीछे कर लेंगे, दोनों साइड से हमने एक एक फंदा कम करना है। पहले 2 फंदों को ले लेंगे, एक फंदा चैन वाला और उसके आगे वाला एक उल्टा, उनको ट्विस्ट कर लेना है हमने। ट्विस्ट करने के बाद 3 फंदों का हमने ऐसे एक कर देना है, एक फंदा हमने दूसरी साइड से भी लेना है। अब बीच में हमारे 15 फंदे रह गए, पहले हमारे फंदे यहाँ पर 17 थे, अब 15 फंदे रह जाएंगे क्योंकि दोनों साइड से एक एक फंदा कम हो चुका है। और पता चल जाता है कि यहाँ से हमारे फंदे कम हो रहे हैं, यहाँ पर चैन बन रही है ये देखिए, और इन 2 फंदों को हमने इसके साथ लेना है और कम कर देना है। धागा पीछे कर लेना है पहले, फिर 2 फंदों को ट्विस्ट करना है और 3 फंदों का एक कर देना है। ऐसे हमने ये रो भी कंप्लीट कर लेनी है। हर बार हमारे फंदे कम होते जाएंगे और हमने तब तक बनाने हैं जब तक हमारे पास चैन के दोनों साइड एक एक फंदा ना रह जाए। तो ऐसे ही मैं तब तक बुनूंगी जब तक मेरे पास भी चैन के दोनों साइड एक एक फंदा ना रह जाए, तो तभी मैं वापस आऊँगी ये इतना कंप्लीट कर लेने के बाद और आगे बताऊँगी कि हमने इसको बंद कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर फिर से हमारी चैन आ गई है, चैन के दोनों साइड हमने एक एक फंदा ले लेना है।
पहले दो फंदों को ट्विस्ट करना है, फिर तीन फंदों का एक बना देना है। तो देखिए ऐसे हमारी चैन बननी शुरू हो चुकी है। एक चैन ये बन रही है हमारी और एक वाली ये बन रही है, एक यहाँ पर बन रही है। तो वापिस आती हूँ मैं ये कंप्लीट करने के बाद। सेंटर में दोनों साइड एक एक फंदा जब तक रह नहीं जाता तब तक मैं इसको इसी तरह से बनाती रहूँगी। देखिए मैंने यहाँ पर इतना बना के कंप्लीट कर लिया है और ये ऐसे नज़र आता है। और हर चैन के साथ मेरा एक एक फंदा बचा है, इनको भी हम बंद करेंगे। सेम तरीके से ही बंद करना है हमने, पहले दो फंदे हमने ट्विस्ट करने हैं। जी सारे फंदे सिर्फ ट्विस्ट वाले ही बचे हैं, बीच में हमने कोई फंदा नहीं बनाना। फिर से ट्विस्ट कर लेंगे, ऐसे हम ट्विस्ट करते हुए जाएंगे। फिर से ट्विस्ट वाला ये फंदा है। दो फंदों को फिर से ट्विस्ट करेंगे और तीन का एक कर देंगे। अब लास्ट में हमारे पास एक फंदा ना एक्स्ट्रा बच गया है, तो वो मैं बताती हूँ आपको कि उसका क्या करना है हमने। उस फंदे को हमने इस फंदे के ऊपर से गिरा देना है। अगर कोई फंदा एक्स्ट्रा बच जाता है हमारे पास तो उस फंदे को हम ऐसे ऊपर से गिरा देंगे। रॉन्ग साइड आ गए हैं, दो फंदों को पहले एक साथ बुनेंगे। पांच फंदे बचे हैं हमारे पास, फिर से इसी फंदे को वापस दूसरी नीडल पर ले लेना है और दो का एक कर देना है। ऐसे हमने सारे फंदे कम कर देने हैं। ऐसे इस धागे को लंबा खींच लेंगे और थोड़ा धागा हम कट कर लेंगे क्योंकि हमने सिलाई करना है अभी। तो ऐसे देखिए बन गया हमारा ऊपर का हिस्सा। इस धागे से ना हम यहाँ से लेके जहाँ तक हमने ना उल्टा उल्टा बुनना शुरू किया है और डिक्रीजिंग स्टार्ट की है, यहाँ से इसको ऐसे मैच कर लेंगे। और यहाँ तक हमने सिलाई करना है, जब हमने फंदे बढ़ाए थे ना यहाँ से इतना पार्ट हमने सिलाई कर लेना है, नीचे वाला पार्ट हमने सिलाई नहीं करना। तो पहले नीडल में धागा डाल लेंगे, उल्टा कर लेते हैं इसको। ऐसे हमने दोनों साइडों से ना एक एक चैन ले लेनी है, एक चैन उस तरफ से एक चैन उस तरफ से, और सिलाई करते हुए जाना है। ऐसे देखिए यहाँ से लेंगे, ये वाली चैन है हमारी, फिर इधर से ले लेंगे, फिर से दूसरी तरफ चैन में से निकालना है, फिर से इस साइड हमने चैन में से निकालना है। तो ऐसे ही हमने जो थोड़ा सा पार्ट है हमारा सिलाई करने वाला
उसको सिलाई कर लेना है। ये वाला पार्ट हमारा मैच होना चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, जो उल्टा पार्ट है जो ऐसे मैच होना चाहिए। तो जब हम सीधी साइड करेंगे तो अच्छा लगेगा, फिनिशिंग आएगी इसमें। तो ऐसे ही हमने यहाँ तक सिलाई कर ली है। देखिए मैच हो रहा है, कोई आगे पीछे नहीं हुआ। देखिए ये वाला पार्ट मैंने सिलाई कर लिया है, और जो मैंने बताया था आपको उल्टी रो हमारी मैच होनी चाहिए, बिल्कुल मैच हुई है। तो इससे क्या होता है कि पता नहीं चलता कि सिलाई कहाँ पर हुई, तो फिनिशिंग अच्छी आती है। अब हमने नीचे से क्या करना है, इन 8 सिलाइयों को छोड़ के यहाँ से हमने फंदे उठाने शुरू करने हैं, और उठाते उठाते इस तरफ आ जाना है यहाँ तक। जैसे आप 60 फंदे उठाते हो तो 30 फंदे इस साइड उठाने हैं, 30 इस साइड। अगर कम या ज़्यादा कितने भी उठाते हो उसका हाफ कर लेना है, हाफ पार्ट इसमें लेना है, हाफ पार्ट इसमें लेना है। ये नहीं है कि इसमें ज़्यादा उठा लो इसमें कम उठा लो, तो वो अच्छा नहीं बनता। तो क्या करेंगे, मैंने जो पहले कैप दिखाई है आपको ये वाली, तो देखिए ये वाला जूड़ा ऐसा बना हुआ है, तो इसमें मैंने 60 स्टिचेस बनाए ये वाले, तो ये बिल्कुल सेट है। लेकिन ये वूल बारीक थी इसलिए मैंने 60 फंदे उठाए थे। ये वाली जो ब्राउन कलर की वूल है, ये वाली वूल है वो मोटी है, उसके मैं फंदे कम उठाऊंगी, उसके फंदे इतने नहीं उठाऊंगी। तो इसके फंदे हमने ऐसे उठाने हैं सीधी तरफ से, थोड़ा सा धागा छोड़ लेना पीछे हमने, ऐसे मैंने ऐसे कर लेना है, इतना धागा छोड़ देंगे ताकि निकले ना, थोड़ा कम कर लेते हैं। तो ऐसे हमने पास पास जो चैन बनी हुई है उसमें से नहीं उठाने, चैन के पास में से ही उठाने हैं, इक्वल गैप छोड़ना है हमने, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। मैं 60 फंदे नहीं उठाऊंगी, मैं 52 फंदे उठाऊंगी, तो मेरे 26 फंदे एक साइड आ जाएंगे, 26 फंदे एक साइड आ जाएंगे। अगर बाई चांस हमारे फंदे ज़्यादा उठाए जाते हैं और बाद में हम काउंट करते हैं कि कितने फंदे हो गए हमारे, तो हमने क्या करना है, 2 फंदों का एक कर देंगे जिस भी साइड है पहली रो में ही। ये नहीं कि काफ़ी लंबा बना के हम बाद में कम करेंगे, पहली रो में ही हम कम कर देंगे। अगर हमारे फंदे कम हैं तो मैंने बढ़ाने का तरीका भी बताया हुआ है कैसे बढ़ाने हैं, तो आप वैसे बढ़ा भी सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा फासला है कम ज़्यादा का, तो फिर हटके हमको सारे फंदे उठाने पड़ेंगे। तो ऐसे हमने धीरे धीरे सारे फंदे उठा लेने। ऐसे बिल्कुल चैन के पास पास से ऐसे देखिए, तो ऐसे मैं 26 फंदे एक साइड उठाऊंगी, 26 फंदे दूसरी साइड उठाऊंगी। तो मैं उठा लेती हूँ, तो आती हूँ वापस सारे फंदे उठाने के बाद। तो मैंने यहाँ पर पूरे फंदे उठा लिए हैं गिन के, तो मैं यहाँ पर आपको काउंट करके दिखा देती हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,
चौंतीस छत्तीस अठत्तीस चालीस बयालीस चवालीस छियालीस अड़तालीस पचास और एक इक्यावन। एक फंदा मेरा कम है तो उसको मैं अभी बढ़ा दूँगी बीच में। तो ऐसे ही आपने भी अगर कम है तो बढ़ा लेना है कोई फंदा। एक दो का फ़र्क होता है तो वो तो चल जाता है। अगर ज़्यादा हम कहें कि हम दूसरी रो में ही बढ़ा लेंगे या कम कर लेंगे तो वो सही नहीं रहता। तो अब हमने यहाँ से उल्टा उल्टा बुनना शुरू करना है। ये हमारी उल्टी तरफ से है रो। तो ऐसे हमने उल्टी उल्टी रो बना रही हैं और कंप्लीट कर लेनी। तो ऐसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे ये फंदा मैंने बनाया और धागा पीछे करके एक फंदा इधर से बढ़ा लिया, एक फंदा मेरा बढ़ गया। धागा फिर से आगे कर लेंगे और उल्टा बुनना शुरू कर देंगे। फंदे पूरे हो चुके हैं अब, तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ। वापस आती हूँ सीधी तरफ, गई हूँ मैं वापस सीधी रो पर। इस रो को हमने सीधा ही बुनना है और ऐसे ही हमने सीधा उल्टा बुनते हुए आठ रो कंप्लीट कर लेनी है। चार सीधी तरफ से, चार उल्टी तरफ से, आठ रो बनानी है हमने। उसके बाद हमने आगे का स्टेप लेना है, डिक्रीजिंग करनी है, जो वो देखनी है फिर कैसे करनी है हमने। तो आती हूँ मैं वापस आठ रो कंप्लीट करने के बाद। ये देखिए ऐसे सीधा सीधा बनाना है हमने। एक रो मेरी हो चुकी है, जो फंदे हमने उठाए हैं उस रो को काउंट नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, उसके बाद वाली रो काउंट करेंगे। जब हमारी अगर हमारी उल्टी साइड हमें पूरी होती है तो सीधी तरफ हम एक रो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जूड़ा भी अपने अपने का हिसाब होता है। किसी का छोटे साइज का जूड़ा होता है, किसी का बड़े साइज का होता है, तो वो भी हम देखेंगे कि हमने अगर ज़्यादा बड़े जूड़े के लिए बनाना है, ये जूड़ा कैप जो बनानी है, तो हम ये रो बढ़ा देंगे सीधी सीधी है जो, 10 रो कर देंगे। तो ऐसे ही हमने आगे बनाना है। तो आती हूँ वापस इसको कंप्लीट कर लेने के बाद। आठ सिलाइयाँ कंप्लीट करने के बाद ये मेरा पार्ट इतना है, करीब एक इंच के करीब बन चुका है। तो अब हमने इसकी डिक्रीजिंग करनी है। डिक्रीजिंग करने के लिए हमने इसको चार पार्ट में इक्वल डिवाइड कर लेना है। जितने भी फंदे होंगे उनको इक्वली चार पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहले हम आठ फंदे सीधे सीधे बनाएंगे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ, दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे। और तीन का एक कर देना है हमें, फिर 14 फंदे बुनेंगे सीधे सीधे, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। 14 फंदे बनाने के बाद फिर से दो फंदों को ट्विस्ट कर लेना है और तीन का एक कर देना है। फिर से 14 फंदे सीधे, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। 14 फंदे बनाए सीधे, दो फंदों को ट्विस्ट करेंगे
फ्रंट में है जो उसको सेंटर में ले आना है, और जो सेंटर में है उसको फ्रंट में ले जाना है। पीछे के जो फंदे बचे हैं हमने उनको उल्टा उल्टा बुनना है। 8 फंदे ही हमारे इस तरफ बचे। अगर आपकी जो नंबर्स हैं सेम हैं मेरे जितने 52 नंबर्स हैं, तो ऐसे ही डिवाइड करना है। अगर कम ज़्यादा हैं तो आपने देख लेना है कि हमने कैसे इक्वली डिवाइड कैसे करना है हमने, तो उल्टी तरफ से पूरी रो उल्टी आएगी, कोई चेंज नहीं होगा। तो मैं उल्टी रो से कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर वापस आती हूँ सीधी रो में। रॉन्ग साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने 7 फंदे बनाने हैं। लास्ट रो में सीधी में हमने 8 बनाए थे। तीन, चार, पाँच, छः, 7। पता चल रहा है, जब चैन आ जाती है तो हमको पता चल जाता है कि हमने यहाँ पर फंदे घटाने हैं। जैसे मैंने पहले दूसरे पार्ट में बताया आपको कि कैसे फंदे घटाने हैं, कैसे डिक्रीज करना है और बंद कैसे करने, सेम प्रोसेस है ये भी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये फंदे कम हैं, वो फंदे ज़्यादा थे, पार्ट भी ज़्यादा थे। तो देखिए यहाँ पर चैन आ चुकी है, ये वाला चैन का फंदा है। एक फंदा हमने पहले वाला ले लेना है और एक फंदा बाद वाला, दोनों को आगे पीछे कर लेना है। ऐसे पहले ट्विस्ट करेंगे और फिर 3 का एक फंदा कर देंगे। बिल्कुल सेम तरीके से हमने बुनना है जैसे ये वाला पार्ट बनाया था। ये वाला मैंने आपको सारा दिखाया था कि कैसे डिक्रीजिंग करनी है और कैसे लास्ट में हमने बंद करना है। जब एक एक फंदा रह जाता है तो हमारी सिर्फ चैन बनती है, इनके साथ साथ जब एक एक फंदा रह जाएगा तो हमारी सिर्फ चैन ही बनेगी, और लास्ट में जो बचेंगे फंदे उनको हम बंद कर देंगे। तो ऐसे ही आपने ये वाला भी करना है, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। और एक बात को बार बार बताने से कुछ बदल तो जाता है नहीं, तो सेम है प्रोसेस। तो ऐसे मैं कंप्लीट कर लूँगी इस जूड़े को। राइट साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है और फंदे काफ़ी कम हो गए हैं। तो मैं वापस आती हूँ ये जूड़ा पूरा कंप्लीट करने के बाद। तो देखिए कैप बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है, सिर्फ इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट की सिलाई बाकी है। जूड़ा बन चुका है, बहुत सुंदर कैप बनी है। तो क्या करेंगे, थोड़ा धागा कट कर लेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे हम। उल्टा कर लेते हैं। सिलाई करने का भी तरीका सेम ही है जो मैंने पहले बताया है, उसी तरीके से हमने सिलाई करनी है। एक चैन उस तरफ से लेनी है, एक चैन दूसरी तरफ से, दोनों साइड से एक एक चैन लेते हुए चैन टू चैन मैच करके हम अगर सिलाई करते हैं तो बिल्कुल भी हमारे जो पल्ले होते हैं सिलाई करने वाले आगे पीछे नहीं होते।
ऐसे हमने यहाँ तक सिलाई करनी है। देखिए इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरा कैप बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।